तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हम लोग आ जाए पिप्पा कॉम्बैट फिर से खेलने, मतलब खेलने नहीं, मैं आपको आज बताने वाला हूँ पिप्पा कॉम्बैट की कुछ इजी उनके काइट को कट करने की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ ऐसी ग्लिचेस जो कभी कभी पड़ जाती हैं। तो गाइस, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है ये वाले सर्वर में तो आप USA का भी लगा सकते हैं, मगर मैं इसी में खेलता हूँ, सही रहता है यार। और मैं आज आपको बताऊंगा कि काइट इजली कैसे आप कट कर सकते हैं, ये नहीं कि आप हर बार कट करेंगे, इजली मतलब आसानी से आसानी आप कैसे काइट कट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कोई सी भी आपके जो फेवरेट काइट हो आप उसको सेलेक्ट कर लें। और मैं सबसे पहले बता दूं, आप इस टाइप की काइट ना लीजिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं दुग्गा। तो ये काइट को आपको फिराने में बहुत दिक्कत होगी, नचाने में बहुत दिक्कत होगी, तो इस टाइप की काइट लीजिएगा। जैसे ये 13 नंबर वाली है, ये 29 नंबर वाली है, और ये वाली 22, 15, तो इस टाइप की काइट लीजिएगा। तो मैं 22 वाली काइट ले लेता हूँ। और मांझा में आपको मैं बताऊँ तो सबसे बेस्ट मांझा एक रहता है, ये गियर रहता है, और एक ये रेड वाला रहता है, और ये ब्लैक वाला, और एक ये, तो इसको तो हम लोग पांडा भी कहते हैं, ये इंडोनेशिया कहा जाता है। तो इससे हम लोग पहले ट्राई करेंगे कि इससे ज़्यादा कट होती है कि बाकी सारे मांझाओं से। तो हम सोच रहे हैं कि सारे मांझा टेस्ट कर लेते हैं कि किससे ईजिली कट होती है ज़्यादा से ज़्यादा काइट, और जिससे ज़्यादा कट होंगी तो वहीं होगा सबसे बेस्ट मांझा, और उसी से आप लोग सबसे ज़्यादा ईजिली काइट कट कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने रस पिन्हा विद्रो, ये कौन सा, ये वाइट वाला मांझा रस पिन्हा विद्रो से। तो चलिए गाइस, अब पहला हम लोग अपना मैच स्टार्ट, रुकिए एक मिनट, चलिए ये सीमरी ले लेते हैं। हाँ, तो अभी आप पहला मैच स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं, और थोड़ी पतंग फिरा लेते हैं। ओ भाई, ये मांझा तो बोल गया। चलिए गाइस, कोई बात नहीं, अपना पहला मांझा ट्राई कर लिया। इसके हैं जीरो किल फ्री फायर मेरे अंदर, इसके जीरो कट है। और अब ये चाय लेना, ये कौन सा मांझा है, चलिए अब ये लेके टेस्ट करके देखते हैं एक बार। तो चलिए अब फिर से टेस्ट करके देखते हैं। वाह भाई, ये मांझा बहुत ज़बरदस्त, एक साथ दो दो उसने काइट कट कर दी, ये तो सही मांझा। और अगर गाइस आप पिप्पा को, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने पिप्पा कॉम्बैट को आपको खेलना नहीं आता, आप नए खेलते हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लेना कि हाउ टू प्ले पिप्पा कॉम्बैट टिप्स एंड ट्रिक वाली, तो वहीं देख लीजिएगा। और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बेस्ट मांझा में कौन सा है, तो मैं देखूँगा अभी, आपको भी बताऊँगा, और मुझे कौन सा मांझा सबसे बेस्ट लगता है वो मैं बताऊँगा। तो चलिए एक और करते हैं पिच। भाई बच गए, चलिए, ये क्या हो रहा है, कट का ही नहीं हो रही अली पतंग। अच्छा, ये बहुत घट है। ये गाइस एक और काट दी। इसके हैं ये अली मांझे के अभी तक मेरे हो गए 3 कॉर्टो, मतलब काटी है, 3 पतंगे काट चुका हूँ, सिंपल हिंदी भाषा में कह रहा है, कट कर चुका हूँ 3 पतंग, और ये फिर से बेच फंसा लिए। अबे चलो, इस पतंग के इस रील के जो ये मांझा है, ये वाइट वाले के 0 है कट, और इसके 3 कट है, चलिए ठीक है। और अब आते हैं इसी के चैलेंज नहीं मांझे की कंपनी के दूसरे ब्लू कलर वाले पे, तो चलिए देखते हैं ये कितने कट करती है। तो चलिए पहला पेच करते हैं। गाइज इसके भी 0 कट, तो गाइज ये तो मतलब क्या बताऊँ। चलिए अब ये इंडोनेशिया की ये सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाली हम लोग चूज़ करके देखते हैं कि कौन कितनी बेटर ये काटती है। ये मांझा शायद थोड़ा बेटर रहेगा क्योंकि ये चाइना मांझा कहा जाता है, ये देख सकते हैं आप। और मैं अगर अपना पर्सनली मांझा बताऊं जो मैं इस गेम में यूज़ करता हूं, तो वो है इसी का सेकंड पार्ट, जिसको हम लोग पांडा मांझा भी कहते हैं, और हमारे पहले के हम लोग उसको गलत डोर कहते थे, तो मैं वही लेता हूं पर्सनली। अब उसके बाद डायरेक्ट मैं उसी से लड़ाऊंगा, और मैं बताऊंगा उससे आप उससे कैसे खींच के या फिर कैसे आप उसको जो है थपक के देंगे कैसे पेच काट सकते हैं।
तो चलिए अभी याले के बाद तो ट्राइब नहीं करेंगे वरना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं अपनी फेवरेट मांझे से आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। और ये जो पतंग है ये आप ज़रूर लीजिएगा, इस पतंग में स्पीड बहुत है, देख सकते हैं जैसा कि आप मैं खींच रहा हूँ हल्का सा तो बहुत तेज़ स्पीड है। और ये वाली रील ने भी हमारे मांझा ने इंडोनेशिया वन ने भी 3 कट कर दिए हैं और 4, तभी मैं इंडोनेशिया मांझा 2 लेता हूँ, 1 और 2 यही बहुत बढ़िया मांझे होते हैं। तो मैं आपको इन्हीं दोनों में से कोई सा भी सजेस्ट करने को कहूँगा क्योंकि ये मांझे बहुत बेस्ट होते हैं। आप इसमें हल्का सा छुआ के भी काट सकते हैं मगर आपको खींच के काटना होगा, खींच के, जैसे कि आप यहाँ पे पेज देख सकते हैं फंस गए, यहाँ पे खींच नहीं पाया मैं। अब मैं ये वो आगे लंबे जो आई है पतंग, टुक्कल पतंग मैं उससे पेज करूँगा। चलिए देखते हैं, ये तो मारता ही चला जा रहा है। अरे अरे गद्दा मारने का लग रहा, मौका नहीं मुझे मिलेगा खींचने का। और वो देखा है मेरी घट पड़ गई। चलिए इस पतंग ने इस रील लंबी तक के सबसे ज़्यादा कट करे हैं, 5 कट। तो यही दोनों में से मेरी दोनों में फेवरेट है इंडोनेशिया वाली। तो मैं अब इसको ऑरेंज वाली इससे मैं आपको कट करना बताऊंगा क्योंकि ये मेरी फेवरेट मांझा है और मैं इससे आपको बताऊंगा ईजिली कट करिए और यही मांझा सबसे बेस्ट है इस पूरे गेम में। तो गाइस इसमें अगर मैं भी शुरू ही में कट जाऊँ या शुरू में कट जाऊँ तो उससे कोई वो नहीं, पहले में अगर आप कटें तो आपको उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है या फिर मैं कटूं, क्योंकि अभी आपका हाथ बैठा नहीं होगा तो धीरे धीरे आपका हाथ बैठेगा तो फिर आप इसमें खेल पाएंगे। और ये गेम 1 फिंगर से अगर आप खेलते तो भी सही है मगर 2 फिंगर से अगर आप 2 थंब से आप अपने खेल लें तो सबसे बेस्ट है, जैसे मैं 2 थंब से अपने खेलता हूँ। अब चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए पहला पेज, ये बहुत मस्त डोर है, मतलब ये क्या ही बताऊं मैं। अब तो ये डोर मैं सजेस्ट करूंगा आपको इंडोनेशिया 1 और 2 में से कोई सी डोर, और मैं आपको जो आपको भाई आप अगर जिससे अच्छा कर लेते हो तो आप वही लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी डोरें ख़राब हैं। तो गाइस ये गेम भी बहुत ओपी है, ये देख सकते हैं फिर मैंने काट दी जल्दी। इस पतंग में जो बात है और जो मांझे में बात है, ये कॉम्बो बना देती है अच्छा। इसके बाद मैं आपको गाइज़ अगर आपको नहीं मालूम ऑनलाइन अपने फ्रेंड के साथ कैसे खेलते हैं या फिर मैं शायद अपनी वीडियो में बता चुका हूँगा तो तब भी मैं बता दूंगा इसमें कि ऑनलाइन फ्रेंड के साथ कैसे खेलते हैं, तो वो भी मैं भी आपको बता दूंगा इसमें। पहले मैं आपको मैं इस रील का बस वो दिखा देता हूँ, और मैं कटूँ जल्दी, कब तक कटेगी। चलिए देखिए 4 कट हो गए और ये देखिए नीचे से आ रहे हैं और इसका भी काम ख़त्म, 5 कट। चलिए इंडोनेशिया है, दोनों के बराबर 5 कट हो गए। चलिए आप 6 कट करेंगे तो हाईएस्ट रिकॉर्ड टूट जाएगा अपना। ओ भाई चलिए इंडोनेशिया दोनों के 5 कट। तो देख सकते हैं आप इंडोनेशिया रील कितनी बेटर होती है सारी रील्स में से। सजेस्ट करूँगा ले यार गेम बैक हो गया, हाँ यही सब सजेस्ट करूँगा आपको लेने के लिए। और आप कोई सी मांझा ना लीजिएगा अब जो आपकी मर्ज़ी, मगर मैं जो 2 मांझे लेता हूँ ये सबसे बेटर मुझे लगते हैं। तो आप चलिए बिना किसी देर के मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे खेलना है। तो अगर आपको USA में खेलना है, यूनाइटेड स्टेट में खेलना है तो आप इसमें आ जाइए, इसमें सिंपली मल्टीप्लेयर बता रहा है और ये अलग ही लैंग्वेज अपनी ऑनलाइन, ये तो सही ऑनलाइन है मगर पिपा ड्रोमो कॉम्बैट फेस्टिवल इसमें सर्वाइवर 5 पिपा ड्रोमो और ये तो अलग ही है। तो मैं तो इन ब्राज़ील वाला ही लेता हूँ, कभी कभी USA भी ले लेता हूँ। तो अब आपको सिंपल बताएंगे ऑनलाइन कैसे खेलना है, ये जो ऑनलाइन का आपको नीचे दिख रहा है बटन, कई लोग इस पर दबा देते हैं मगर अपने फ्रेंड के साथ खेल नहीं पाते। तो इस पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना नाम डाल देना, जैसे मैंने यहाँ पर डाला है फ्री फायर लवर, तो वैसे भी आपको आपका जो भी नाम हो वो आप डाल दीजिएगा। और आपको जैसे आप इंडिया सर्वर में खेलना चाहते हैं या इंडोनेशिया सर्वर में या अरेना 2 अरेना 3 जैसा भी आप खेलना चाहते हैं, मगर सबसे पहले आपको अपनी काइट सेलेक्ट कर देनी होगी, आपको जो से भी काइट लेनी होगी। तो ये नंबर 1 पे मैं आ गया हूँ तो मैं अपनी काइट ले रहा हूँ जहाँ आप जानते ही, और अपना मांझा लेता हूँ और सीमरी यहीं चल जी छोड़ देता हूँ। और अगर आपको इंडिया सर्वर में खेलना है तो आपको इस पर दबा देना होगा सिंपली,
तो यहाँ पे आ जाएगा। और आपको ऐसा लेना होगा अगर आप अपने फ्रेंड के साथ 1v1 या 3v4v अगर आप अपने फ्रेंड का फुल रूम खुद का चाहते हैं तो जिसपे 0 यूज़र लिखा होगा, जैसे 34 33 32 25 9 2 ये सब जैसे हैं, 7 6 5 ये सब पे चले जाइएगा 0 यूज़र पे। इसमें आप लोग अकेले खेल सकते हैं। और अगर आप अकेले ऑनलाइन खेलना चाहते हैं तो आप जिसमें 4 यूज़र और 3 यूज़र 2 यूज़र सब लिखा है, जैसे ये है 4 यूज़र वाला नंबर 4, मैं इसमें कनेक्ट हो जाता हूँ। तो इस पर कनेक्ट होने के बाद अब सिंपल प्ले करते हैं। अरे सिलेक्शन सर्वर साला, ओ एक मिनट। तो इसमें मैं सिंपल कनेक्ट हो जाता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए ज़रा, यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो मैं किस में ज़्यादा यूज़र है, ये 23, तो चलिए 23 में चलते हैं, तो दिखाता हूँ मैं आपको 23 में चल के। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पहले से यहाँ पे मैं चल रहा था कबीर यासिर का आईडी, देखिए 12-14 चल रहा था, मैं यहाँ पे बीच में आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग भी खेल ही सकते हैं अपना आराम से, और कोई इसमें वो नहीं है। देखिए उसने काट दिया। तो ठीक है गाइस, अब आज की मैं यही वीडियो बताना चाहूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और क्या नाम है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा, और एक कमेंट छोड़ के ज़रूर जाइएगा। तो चलिए गाइस जब हम आपको कल की वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको पिप्पा कॉम्बैट 2 के टिप्स एंड ट्रिक और हाउ टू प्ले गेम बताऊंगा। और तब तक के लिए गाइस बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।